नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सोनो से चंद्रदेव बर्नवाल की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से चावल लोड कर बिहार शरीफ जा रहे एक 12 चक्का ट्रक वाहन संख्या WB33C4598 का स्टीयरिंग फेल हो जाने से चालक अपना संतुलन खो दिया और सोनो चौके समेत बिजली का पोल को तोड़ते हुए सड़क से तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरा। इस घटना में जहां ट्रक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं ट्रक चालक झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदासपुर गांव निवासी रामजीवन सिंह को आंशिक रूप से चोटें आई है। चालक ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से चावल लोड कर बिहार शरीफ जा रहे हैं थे, तभी अचानक सोनो चौक पर पहुंचते ही वाहन का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिस कारण असंतुलित होकर धराशायी होकर गिर पड़ा। इधर ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्थान पर ट्रक वाहन की दुर्घटना हुई है, उस स्थान पर हमेशा दर्जनों व्यक्ति मौजूद रहते हैं, लेकिन पिछले 12 घंटे पूर्व से लगातार हो रही बारिश के कारण आज कोई भी व्यक्ति उक्त स्थान पर नहीं था, लिहाजा दर्जनों लोगों की जान बच गई है। ट्रक वाहन मालिक मिदनापुर का बताया गया है। कैसे क्या हुआ जाके बोलियो, क्या हुआ? गाड़ी आया और स्पीड में था, उधर से जो है उधर गड्ढे में चल गया गाड़ी। ठीक, गड्ढे में गया, नस गया गाड़ी, नसने का वक्त पोल कवड़ गया। तो इसका ड्राइवर खलासी कुछ नहीं हुआ है? ड्राइवर खलासी कुछ नहीं हुआ। तो इसमें लोड है चावल, बंगाल नंबर गाड़ी है। अभी गाड़ी का ड्राइवर आप ही थे? क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? कैसे हुआ? स्टीयरिंग फेल कर गया, अनबैलेंस हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप? अरे कहाँ से आ रहे हैं? खड़गपुर से। जाना कहाँ था? जाना था बिहार शरीफ। बिहार शरीफ क्या लोड है गाड़ी में? चावल। गाड़ी कहाँ का है? गाड़ी कहाँ का है? चावल है। चावल है, चावल है। गाड़ी कहाँ का है? गाड़ी है अपने मिदनापुर। मिदनापुर।